नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच सवाल पर सवाल का सिलसिला जारी है। सीएम ने आज मीडिया से चर्चा में कहा, कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं, फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भाजपा की सरकार ने तो अभी रियायतें दी हैं, हम एसएचजी की महिला को 2% ब्याज दर पर ऋण देंगे, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, क्यों नहीं किया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स की लिस्ट को लेकर सीएम ने कहा, ये खानदानी पार्टी है, मतलब कहीं माँ बेटा, बहन और भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी है, दूसरों की जरूरत ही क्या है? कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करें। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। 7,740 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 21,664 शिलान्यास हो गए हैं, अभी तक 5,26,778 6,00,000 में से आवेदन जो आए थे वो उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और अनेकों नवाचार करते हुए यात्राएं आगे बढ़ रही हैं। मित्रों, ताकि सनद रहे, कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं, अब फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे, लेकिन उसके पहले वो जवाब दें कि उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी, अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं, हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो क्यों? सर, कांग्रेस के विकास यात्राएं निरंतर जारी हैं, लेकिन मैं एक और इनिशिएटिव आज आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश का। पर्यावरण की दृष्टि से हमारी सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज भी है, हम उसको पूरी तरह से सोलर सिटी बना रहे हैं। अभी जिस गति से काम चल रहा है, मेरा विश्वास है कि 3 मई तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। 3 मई सोलर इंटरनेशनल डे है, तो सोलर इंटरनेशनल डे पर मध्य प्रदेश का एक शहर, और शहरों में ये देश का पहला शहर होगा, ये सोलर सिटी बनेगा। तो ये भी पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। धूप में तपने के लिए माफी। विटामिन डी ले रहे हैं सर। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात मध्य प्रदेश के लिए है कि हमारा इंदौर नगर निगम, आपकी जानकारी में है कि यहाँ आज कार्यक्रम है, देश में एक अलग स्थान इंदौर नगर निगम ने बनाया है। मैंने पहले कहा था कि इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें उन्होंने तय किया था कि बिजली का खर्चा कम करना है, परंपरागत बिजली का, अपना सोलर पावर प्लांट लगाना है। सोलर पावर प्लांट के लिए पैसा कहाँ से लाएं? उनने सरकार से नहीं मांगा, उनने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कहा कि सोलर प्लांट में पैसा लगाएं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 244 करोड़ रुपए की जरूरत थी उनको, लेकिन जो भरोसा है इंदौर पर, मध्य प्रदेश पर,
जनता का, निवेशकों का 720 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड आए। ये लोगों का विश्वास है और शहरों को विकसित करने के लिए एक नई राह मिली है कि हम पैसा अलग तरीके से भी जुटा सकते हैं। और देश में दूसरा शहर है, पहला गाजियाबाद था जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे, दूसरा इंदौर है। मैं इंदौर नगर निगम को इस ग्रीन एनर्जी के उत्पादन के लिए, केवल बॉन्ड नहीं है, ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा, थर्मल पावर प्लांट की जो ऊर्जा है वो बचेगी, और सोलर आप जानते हैं कि पर्यावरण एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र है, तो ये ग्रीन एनर्जी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।